तो जय हिंद दोल, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में जिसका नाम एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइस फाइनली आप सबके लिए वीडियो आ चुकी है ITPPNML ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। गाइस बहुत सारा कमेंट आप सबका आता रहता है मुझे कि सर इसमें पेपर का सर पैटर्न क्या रहेगा, सर सिलेबस क्या है, और सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है फिर नहीं होती है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है आपको। तो गाइस वीडियो स्टार्ट कर देते हैं अभी अपने। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस देखिए यहाँ पे जीके मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पे भाई यहाँ पे 5 पोर्शन दिए गए हैं आपको। बता दूं गाइस आपके पेपर में 4 पोर्शन आएंगे, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी के अलग अलग आएंगे, ठीक है। जीके आपके अलग से आएगी, मैथ्स आपका अलग से आएगा, रीजनिंग आपकी अलग से आएगी, हिंदी एंड इंग्लिश के भाई आपको 2 पोर्शन मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन आपको 16 out only 1 करना है, ठीक है। जैसे कि 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, लेकिन दोनों में से आपको 1 पोर्शन वहाँ पे सोल्व करके चलना है, ठीक है। मैं भाई आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे हिंदी आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी के काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। इससे जो पहला पेपर था अपना 52 पोस्ट जो आपकी भर्ती निकली थी ITPPNML ट्रांसपोर्ट में, उसमें मैं खुद इंक्लूड था, मैंने पेपर दिया था दोस्तों। आप 25 में से 24 क्वेश्चन आराम से इजी, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं भाई आपके अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है। हिंदी आप भाई वहाँ पे पोर्शन को चूज कीजिएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन भाई आपके यहाँ पे क्या कहते हैं जीके के हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश एंड हिंदी के हैं, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी मतलब आपको वहाँ पे 1 पोर्शन सोल्व करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश में से आपको अपने मन से ही मतलब सिलेक्ट करना, जो आपको अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स बात करते हैं आपके टॉपिक्स के बारे में, रीजनिंग टॉप टॉपिक्स फॉर ITBP। गाइस देखिए ये सब टॉपिक्स मैंने आपको भाई मतलब मैंने खुद से सजेस्ट किए हैं कि आप अगर आप ये सब कर लेते हो गाइस आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। आप आई थिंक आप 80+ या फिर 90 तक भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, स्टडी करते हो। जो मेहनत करेगा भाई वही लगेगा, हवा हवा में तीर मारने से कुछ होने वाला है नहीं, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। तो प्लीज आपको स्टडी करना है। तो गाइस देखिए फर्स्ट अपना टॉपिक है भाई कोडिंग डीकोडिंग। गाइस 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कैलेंडर वाला आपको क्लिक आपको क्या कहते हैं कवर करके चलना है, सीरीज आपको कर लेना भाई, डिक्शनरी ऑर्डर आपको करके चलना है। गाइस आपको 5 नंबर पे क्या है भाई सोलिजम आपको करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है भाई, ब्लड रिलेशन आपको करना है, डायरेक्शन दिशाएं, एक आदमी उस दिशा में जा रहा है तो आपकी उसकी दिशा बताओ कौन सी है, उसकी परछाई किस साइड होगी। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कर लेना है। मिरर इमेज आपको आना चाहिए, पेपर फोल्डिंग आपको आना चाहिए, पेपर कटिंग आपको पता होना चाहिए, पेपर कटिंग भाई कौन सी दी गई है, वेन डायग्राम पता होना चाहिए, डाइस पासा आपको पता भाई मानक पासा सामानक पासा मतलब मानक पासा सामान्य पासा 2 टाइप के पासे होते हैं आपको पता भी होगा गाइस, ठीक है। ये सब आप चैप्टर्स आपको कवर करके चलने हैं। हिडन फिगर आपको पता होना चाहिए, प्रॉब्लम ऑफ एजेस आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भाई आपके जो आपके चैप्टर्स हैं रीजनिंग के हैं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका आप एसएस ले लीजिएगा। ये सब आपको कवर अप करके चलने हैं ITPPNML ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। गाइस बात करें मैथ्स के बारे में, आपको पता भाई मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन भाई आपको देखिए आपको एडवांस पे ज्यादा जोर नहीं देना, एडवांस आपको ना के बराबर पढ़ना, आपको अर्थमेटिक कवर अप करके चलना है गाइस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले गाइस आपका जो चैप्टर है परसेंटेज है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सर एलिगेशन आपको कर लेना भाई, पार्टनरशिप करना है आपको, एज बेस्ड आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। एवरेज आपको पता होना चाहिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भाई आपके आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, परसेंटेज में 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ जाएंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पता होना चाहिए आपको, SCF LCM पता होना चाहिए भाई आपको, और आपका लास्ट भाई चैप्टर है नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। गाइस ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए भाई, संसार है। आप कितना भी आप एडवांस पढ़ लो, कितना भी आप अर्थमेटिक पढ़ लो, लेकिन भाई सिलेबस कवर अप नहीं हो पाता कभी भी, ठीक है। तो भाई आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जो आपको कवर अप करके चलने ताकि आपका पेपर अच्छा होए और मेरे भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो भाई आपको इसका एसएस ले लेना है, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैंने पिछला पेपर दिया था भाई, जहां जहां से क्वेश्चन उठाए थे उन्होंने, मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को एक लाइक पक्का कीजिएगा। आगे हम दोस्तों बात करते हैं आपके भाई जीके एंड जीएस के बारे में। गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले भाई मेन इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेटिक जीके, ठीक है। स्टेटिक जीके आपकी ज्यादा आने वाली है जीके एंड जीएस में बात करता हूं मैं। तो भाई करंट अफेयर्स भी आपको आपको साथ में कवर अप करके चलने। करंट अफेयर्स में भाई आपको पता है मनु भाकर जी हैं एंड गाइस आपके क्या कहते हैं नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने जो मतलब अभी मेडल जीता था अभी, ठीक है। तो भाई ये सब आपको जो भी मतलब रिसेंटली क्या करंट अफेयर्स में चल रहा है आपको ये सब करके चलना है, जो करंट में अभी हो रहा है, ठीक है।
23 और 24 का आपको दोनों का कवरअप करके चलना है भाई, तभी आपका पेपर अच्छा हो पाएगा। डांसेस आपको पता होना चाहिए, किसे भाई किस स्टेट का डांस मतलब कि फेमस है। टेम्पल्स पता होना चाहिए, कौन सा टेम्पल्स कहाँ पे है, ठीक है। मोनूमेंट्स आपको पता होना चाहिए भाई, मोनूमेंट्स मतलब क्या होता है प्लीज आप मुझे बताइएगा। मोनूमेंट्स मतलब भाई स्मारक होते हैं, ठीक है। पार्ट्स पता होना चाहिए, फेस्टिवल पता होना चाहिए भाई, कहाँ का लोक नृत्य फेमस है। स्पोर्ट्स का आपको पता होना चाहिए भाई, कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। विटामिन के क्वेश्चन आपको कर लेना है, अवार्ड्स कर लेना है गाइस। करंट अफेयर्स आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों आपको आने चाहिए, ऐसा नहीं आपने ओनली नेशनल याद करके जाओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए गाइस। बुक्स एंड ऑथर्स भाई 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है भाई। 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे गाइस, आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो मैं क्लास स्टार्ट कराऊँ आप प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं हिंदी टॉपिक्स के बारे में भाई। संज्ञा आपको पता होना चाहिए, सवर्णम आपको आना चाहिए, विशेषण पता होना चाहिए, प्रत्यय आपको पता होना चाहिए, उपसर्ग पता होना चाहिए, वाक्य मुहावरे एंड लोकपति आपको पता होना चाहिए गाइज। पर्यायवाची शब्द आपको आने चाहिए, विलोम शब्द एंड शुद्धिकरण। मेन इंपॉर्टेंट है भाई शुद्धिकरण, गाइज ध्यान दीजिएगा, शुद्धिकरण भाई काफी इंपॉर्टेंट है आपका भाई। यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे, ठीक है। आपको ये सब आपको चैप्टर्स को कवरअप करना है, ठीक है, हिंदी में जो भाई आपके मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश में। जो मेरे भाई बंधु इंग्लिश में भी कुछ इंटरेस्टेड होते हैं भाई, आपको पैराग्राफ राइटिंग आने चाहिए, ठीक है। सिनोनियम एंटोनिम्स पता होना चाहिए भाई, इंडियन फ्रेजेस यूजिंग प्रीपोजिशन आपको आने चाहिए, ठीक है। मेन आपका आर्टिकल 2 से 3 आर्टिकल पूछे जाएंगे, नरेशन आपको आने चाहिए और मॉडल्स आपको पता होना चाहिए भाई। ये आपके चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, ठीक है गाइस। इंग्लिश में भी भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके होते हैं भाई, ये सब आपको कवर करके चलना है भाई। आपकी मेन आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है फिर नहीं होती है, बहुत सारा कमेंट मुझे आता रहता है। तो भाई देखिए आईटी पे एनिमल ट्रांसपोर्ट 24 नेगेटिव मार्किंग गाइस। देखिए यहाँ पे सेकंड फेज में जब भाई आप अपना क्या कहते हैं नोटिफिकेशन चेक करोगे वहां पे आपको मिलेगा देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन रिटन एग्जामिनेशन। भाई आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी भाई जिसमें बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। नेगेटिव मार्किंग अपनी नहीं है, अपनी भाई जो मेरिट लिस्ट बनेगी भाई वो बिना नेगेटिव मार्किंग के बनेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। पेपर में आप बिल्कुल बेझिझक हो गए आपको पेपर देना है, ठीक है। और भाई आपको बता दूं मैं, जो आपकी भाई मेरिट बनेगी आपकी कास्ट वाइज बनेगी, जनरल की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग, ये भाई आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली मतलब की अलग अलग कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भाई आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका पेपर होगा, देन आपका मेडिकल होगा, फिर भाई आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिनका नाम आएगा वो मेरे भाई बंधु भर्ती हो जाएंगे। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी आपका डाउट बचे एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, आपको बस स्टडी पे फोकस करना है, पढ़ना है, जो पढ़ेगा वही लगेगा, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।